सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। दूसरा इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आप अगर एम्बेसी को भी कहें या हमें उधर बता दें और हम वहाँ से आवाज़ उठाएं तो कम अज़ कम आवाज़ आ जाएगी, या जो लोग बेचारे बैठे जो हुकूमत कई इलाकों के अंदर उनकी आवाज़ दें, तो आपका रोल बहुत बड़ा। सिर्फ फिर से मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, जो लीडर आप मानते हैं ना, जिसको लीडर कायद आज़म, तो कायद आज़म ने पहले हिंदू मुसलमानों को यूनाइट करने की कोशिश की। जब उन्हें पता चला कि उनका मकसद कुछ और है, वो नरेंद्र मोदी टाइप हिंदू इंडिया चाह रहे हैं, तो तब फिर उन्होंने मुसलमानों को यूनाइट किया। और नेल्सन मंडेला की ग्रेटनेस यह है, उसने साउथ अफ्रीका में सारी नस्लों को यूनाइट किया। उसकी ये ग्रेटनेस है। वो लीडर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अरब को यूनाइट कर दिया। फिर एंड में एक रहमतुल आलमीन दुनिया को यूनाइट करने आए थे, उनकी मैसेज यूनिवर्सल। तो ये बड़ी बहुत बड़ी एक आपकी सुन्नत भी है, लीडरशिप की क्वालिटी है यूनाइट करना लोगों को। जब लीडर डिवाइड करता है ना, वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है लीडर होने से। जब वो करता है ना अपना, तो